ये कल पकड़ने से लेकर अब तक एक ही बात कह रहे हैं, अशोक गहलोत के खिलाफ जो मुकदमा है उसको पीड़ितों से विड्रॉ करा दो, एक ही लाइन है सबकी। गिरफ्तार हुआ तब से लेकर अब तक में एक ही बात है, वकील से नहीं मिलने दे रहे मेरे को, ये काम तो परफेक्शन से कर रहे हैं ये SHO, यही तो आप मुकदमा वापस ले लो ना, तो क्या दिक्कत वाली बात है, हमें परेशानी हो रही है भाई। मुझे पकड़ लिया कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस गैंगरेप जिन्होंने किया, जिन डकैत थे, जिन्होंने जिनका डकैती सामान बरामद हो गया, उनको भी तो पकड़ना चाहिए। चलो मुझे पकड़ लो, मुझे जेल में डाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो छोटा आदमी, सामान्य आदमी हूँ। सरकार कह रही है कि आप हट जाओ तो हट जाओ, क्यों आप इस जिद पे अड़े हो? देखिए, मैं हट जाऊंगा तो ये आजादी के बाद पहला सिटिंग सीएम के खिलाफ मुकदमा है, और ये मुकदमा खत्म होगा तो ये अन्याय होगा उस पीड़ित परिवार साथ जिसके साथ गैंगरेप हुआ था, ये अन्याय होगा उनके साथ जिनको न्याय नहीं मिला, जिन्होंने गैंगरेप डकैती की, उनको जो छूट दी गई है, उनको निकाला गया 29 लोगों को, उनके साथ न्याय होगा और पीड़ित परिवार के साथ अन्याय होगा जिनके साथ डकैती, अपहरण, गैंगरेप जैसी घटना हुई थी, यह है असली बात। सर जी, सरकार बदलेगी तो क्या करोगे? पुलिस वाले सर जी, सरकार बदलेगी फिर क्या करोगे? बात तो सही है, माफी मांगेंगे लिखित में, सही क्या होगा? Gracias.